है हरियाणा के जिला सिरसा का गांव कोटली। आज यह गांव एकदम साफ और स्वच्छ है। कुछ समय पहले तक इस गांव में गंदगी हुआ करती थी क्योंकि ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। एक दिन डीआरडीए सिरसा की संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव वासियों को, खासकर बच्चों को, गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इस अभियान से जुड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। कुछ गांव वासी स्वच्छता समिति में शामिल होकर इस बात की निगरानी करने लगे कि कोई बाहर शौच न जाए। पहली दफा लोगों नूं सजे सजे समझाउण दे उत्ते इन्होंने बड़ा कोशिश की है ते अगे नालों लोग सुधरे भी आ। वैसे जिहड़ी कोई पुरानी परंपरा चलन दी हुंदी उहनूं इकदम मनाउणा बड़ा मुश्किल हुंदा, पर फिर भी लोगों ने ना बहुत इन्हां दा साथ दित्ता। साडे आखे भी कई लगे आ बहुत अगे नालों बहुत ठीक है। आप खुश हैं इस बदलाव से? ये तो बदलाव किनू ना चंगा लगता, वो तो कई लोग है जिन्हें समझ नहीं अजे तक भी आने रही भी की ये आँदे आ क्यों ये आँदे है। जे बीमारी के उत्ते रोकथाम ही नहीं तो डॉक्टर की कर सकते, क्यों फैलनी इतों अपने को इस कर कहते ने बहुत अच्छा। आप खुश है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार आपके गाँव को मिल सकता है? वो तो बड़ी दूर वाली गल आ, शायद की पता किनू मिले किनू ना मिले, मैं ये बारे तो कुछ कह नहीं सकता। तो सारे कोशिश कर रहे, असी तो वैसे समझते भी साफ सुथरा साढ़े नो नीचे वाले गांव बहुत पे, जो उन्होंने ख्याल मारिए तो बहुत चंगा। आपने बच्चों को कैसे समझाया स्वच्छता अभियान के बारे में? बच्चों को जैसे भी हमें ऊपर से आदेश हुए या वैसे भी हम सफाई के बारे में तो इन्हें जागरूक करते रहते थे, लेकिन जब से ये स्वच्छता अभियान आई है उससे बच्चों के साथ साथ पूरा मतलब गाँव भी है उसमें भी एक इंस्पिरेशन जागी है बच्चों को देख कर कि हम इस गंदगी पर हमने काबू पाना है और ये गंदगी को हमने दूर भगाना है। तो बच्चे भी पहले से ज़्यादा अब साफ सुथरे रहने लग गए हैं और गांव की भी सफाई के और उन लोगों का भी अच्छा ध्यान गया है। आपका क्या कहना है सफाई के बारे में? हम बच्चों को पहले ही सफाई के बारे में समझाते थे, लेकिन जब से स्वच्छता अभियान चला है तो इस पे और ज़्यादा जोर देने लगे हैं और इससे बच्चे समझने भी लगे हैं। स्कूल में भी आप कॉम्पिटिशन वगैरह करा रहे हैं कोई? स्कूल में नहीं, सेंटर में होता है ये हमारा, वहाँ बच्चों को भेजते हैं। और स्कूल में शौचालय हैं? हाँ जी, साफ सुथरे रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यह जो काम बहुत बढ़िया। खुश हैं आप? खुशी है ना, सफाई तो बहुत खुशी है। आपको लगता है कि आपके गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल जाएगा? मिल जाएगा, बहुत बढ़िया काम है। अगे सफाई अपने पिंड बहुत सी, हूँ वो भी बढ़िया वा, बड़ा सोहना काम लगता, ठीक है, इन्ना होना चाहिए। खुश है? खुश हाँ, खुश बिल्कुल। आज यह गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। सभी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल इनकी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है।